संसार में ऐसे कुछ प्राणी हैं जो कि बिना माता पिता के ही जन्म लेते हैं और पूरा जीवन भी बिता देते हैं, पर कुछ प्राणी हैं जिनको माता पिता की सहायता लेनी होती है, उनके बिना उनका जन्म संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है, बीच में माता पिता क्यों आ जाते हैं, इनके बिना ही तो जीवन चल सकता था शुरू हो करके, ये बीच में फालतू क्यों आ जाते हैं। प्रश्न ये है कि कोई तो एक जीवन है ना, जिसको अपने पीछे से कोई संबंध नहीं बनाना पड़ता है पिछले से किसी से, सीधा वो जीवन शुरू होता है और अपने पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीवन हैं जिसको पिछले जीवन से संबंध बनाना अनिवार्य होता है, किसी दूसरे के जीवन से उसको संबंध बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये अतिरिक्त लग रहा है पिछले की अपेक्षा से, एक को तो बिना संबंध के चल रहा है, दूसरे को संबंध लेना पड़ रहा है, तो ये बीच वाला फालतू हो रहा है, वो क्यों है, वस्तुतः फालतू है या कुछ है उसके पीछे। कोई वास्तविकता है वहां पर अनिवार्यता, अच्छा थोड़ा सा इसमें भी कर सकते हैं कि जो शुरू के ऋषि मुनि लोग हुए थे वो बिना माता पिता के ही हुए थे, ऐसे ही चलता रहता, आगे नहीं बढ़ाया जाता, जैसी उनकी शुरुआत होगी वैसी सबकी हो जाती। पहले तो सभी तरह के लोग हुए थे ना, ऋषि स्तर वाले भी, बिना ऋषि स्तर वाले भी, कीट पतंग जितने भी हुए सब पहले तो बिना ही माता के संबंध के हो गए, वही प्रक्रिया रह जाती। ठीक है, तो कारण ये है, मुख्य कारण तो एक तो इस प्रक्रिया से ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि अनिवार्यता होती है। यानी जड़ों में एक तो पहले अपने आप कोई भी व्यवस्था लेने की सामर्थ्य नहीं होती है, वो जिस भी अवस्था में है वैसे ही रहेंगे, नई अवस्था को स्वतः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो हो रही है एक विचित्रता आ रही है, यानी एक ही प्रकार के जड़ हैं उनमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं दिख रही बन रही है, तो इसमें कर्तृत्व की एक विशेषता आ जाती है अपने आप, कर्ता के कारण से उसमें ऐसी विशेषता आई, अन्यथा एक जैसा ही रहना था, भेद नहीं होते इसमें, एक ही कारण यदि होता तो भेद इसमें नहीं होता, लेकिन कर्तृत्व के कारण इसमें समान उपादान से ही अलग अलग स्थितियां या अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें सीधे सीधे एक तो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है, और सिद्धि होती है तो इसमें कोई दोष नहीं है, होना ही चाहिए, फिर तो ये अपने आप में फिर प्रमाण हो जाएगा कि माता पिता से हमारी उत्पत्ति हो रही है, बीज से बीज बन रहा है, तो ये अपने आप ईश्वर के होने का हेतु है, बिना ईश्वर के ये नहीं हो सकता था, बीच वाली अवस्थाएं आती नहीं,
एक जैसी अवस्था शुरू से बनती। दूसरी बात है कि इनमें जो होता है ऐसे ऐसे प्राणियों के सुख दुख यानी भोगों में अंतर होता है। जो माता पिता पूर्वक होते हैं और जो बिना माता पिता के होते हैं उनके भोगों में अंतर होता है। पहले जो बिना माता पिता के हुए थे वहाँ क्या थी, एक तो थे कि उनके बहुत ही उत्तम कर्म थे और जिनको संसार के भोग की अपेक्षा नहीं थी, सांसारिक भोग उनको चाहिए नहीं था, तो उनका वो जो जन्म था जो शरीर था वो केवल कर्म देह कहते हैं उसको, केवल कर्म करने के लिए था, भोग के लिए नहीं था। तो आगे की जो अवस्थाएं हो रही है सीधे सीधे उसका अर्थ हो जाएगा कि चूंकि वो कर्म निमित्तक भोग देह है और भोग देह में फिर ऐसी स्थितियां नहीं बनती, संभव नहीं था, ईश्वर उसको ऐसा करते रहे। और जो दूसरे बच गए थे उनमें चूंकि संभावना थी नहीं, पहले शुरुआत हो ही नहीं सकती थी उसकी, अपने आप प्रकृति से उसका होना ये संभव ही नहीं था, तो उसकी शुरुआत करने के लिए ईश्वर ने पहले तो कर दिया और आगे फिर ऐसा कर दिया कि वो परस्पर के सहयोग से आगे आगे ये परंपरा बढ़ती चली जाए, यानी जीवात्माओं को पिछले का की सहायता या अपने पिछले का आश्रय उपलब्ध होता चला जाए। तो इसमें क्या होती है, एक तो परस्पर के संबंध के कारण में एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य दया करुणा कृपा आदि ये सब जो गुण होते हैं पिता पुत्र या संतान के माध्यम से ही उद्भुत हो पाते हैं। अगर दोनों में परस्पर इस प्रकार की अपनत्व की स्थिति नहीं दिखती तो ये दया प्रेम आदि की जो भावना होती बिल्कुल नहीं होती। फिर जैसे कि वर्तमान में देखा जाता है जिसको लगता है ये मेरा कोई नहीं है उसके प्रति नितांत उपेक्षा भाव रहती है, उसके लिए हम विशेष कुछ त्याग नहीं कर सकते, विशेष कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उसके लिए विशेष सोचते नहीं हैं, लगभग सामान्य प्रवृत्ति लोगों की ऐसी होती है। दूसरों के लिए जो सोचता है वो कोई कोई होता है और वो लोकोत्तर होता है। तो अगर ये माता पिता वाला नहीं संबंध जोड़ा जाता तो इन प्राणियों में स्नेह दया यानी कि परस्पर उपकार आदि करने की सुरक्षा देने की भावना नहीं होती, और यदि भावना नहीं होती तो जीवन बहुत क्लिष्ट हो जाता, अति प्रतिद्वंद्विता आती, एक दूसरे से छीनने में लड़ने में जैसे पशुओं में होती है, वो कोई भी किसी को सहन नहीं करता है, जो जितना बलवान होता है वो दूसरे को मार करके छीन के खा जाता है। तो शेष यानी मनुष्य आदि में भी सब में ऐसी प्रवृत्तियां हो जाती, कम से कम मनुष्यों में ये प्रवृत्ति ना होने के कारण बाकियों को ये व्यवस्थित रखता है, पशु आदि को भी ये नियंत्रित रखता है, लेकिन ये भी उन्हीं की तरह होता तो कहीं नियंत्रण ही नहीं होता, और ये समर्थ अधिक होने के कारण से बहुत अधिक हानि कर देता। तो कोई भी किसी की सहायता नहीं करता, कोई किसी की रक्षा नहीं करता, हर कोई हर किसी को मार देता है, लूट लेता, स्वार्थ की प्रवृत्तियां बहुत भयंकर होती। ऐसी स्थिति में अब कोई भी जो मनुष्य है या प्राणी है वो विद्वान तो क्या हो सकता था, उसका जीवन ही भयंकर दुर्गम हो जाता।
तो अब उसके मन में सात्विकता आना, ज्ञान विज्ञान आना, विवेक की स्थिति उत्पन्न होना, ये सब असंभव होती, कोई स्थितियां हो ही नहीं सकती थी ये सब। तो एक बात तो ये है कि आगे उनके इस प्रकार के बहुत उत्तम कर्म ना होने के कारण से सीधे सीधे ईश्वर उसकी सहायता नहीं कर सकते उनको, और लौकिक भोग उनको चाहिए थे, तो उन भोगों की इतनी छूट होने पर व्यवस्था नहीं हो पाती। इस कारण से ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है बुद्धिपूर्वक। माता पिता अब बच्चे के ऊपर, जो छोटा बच्चा होता है, अपवाद छोड़ दीजिए, कोई कोई माँ बाप क्रूर होते हैं जो बच्चे को मारते हैं, शुरू से ही मार डालते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी की तो रक्षा करते ही हैं। एक कुतिया भी होती है, वो अपने 10-10 बच्चे को, छोटा होता है तो किसी को छूने नहीं देती, हो गुर्राती है वो भले ही किसी के पालन वो आगे नहीं करेगी, थोड़े बड़े होते ही सब इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसके लिए प्राण देने को भी रहती है तैयार। सारे प्राणियों में माताएं ऐसे ही होते हैं, बच्चे के लिए ये लोग जान देने को तत्पर होते हैं। तो ये भावना इसलिए कि वो उससे हुए हैं, संबंध है दोनों का। अगर उनको नहीं दिखता कि ये मेरे से आया, तो इस तरह की उनकी मानसिकता बनती नहीं। तो अब उसी कारण से फिर उसके आगे के लिए भी सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं, उसकी रक्षा के लिए पढ़ाने लिखाने का जो भी है, बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनके पीछे अपना तो काम कर रहा है। लोक में आधा जो जीवन चल रहा है, व्यवस्थित हो रहा है, वो इस स्वस्वामी भाव के कारण होता है। स्वस्वामी भाव यदि नहीं रहे व्यक्ति में, कोई किसी को पहचानने से ही मना कर देगा, पहचानेगा नहीं कि ये मेरा कोई है। तो इससे क्या होती है कि भावना नियंत्रित रहती है, तो इसलिए लोक की दृष्टि से भी ये व्यवस्था आवश्यक है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये दूसरा तर्क है, या प्रमाण भी कह सकते हैं। पहला जो मुख्य कारण है कि इसमें संभावना ही नहीं थी स्वतः, ईश्वर को यदि हटा दिया जाता इसमें से, तो जड़ जो है वो अपने अवस्थान्तर को प्राप्त ही नहीं हो सकता था, तो अगले अगले जीवन के चलने की तो कोई बात ही नहीं आती। तो इस कारण से वो करना पड़ा, पहले शुरुआत करना पड़ा ईश्वर को, और आगे जो है वो इनके भोग व्यवस्थित रहें, एक दूसरे के साथ ये रहें, मिल करके कर सकें, एक दूसरे की सहायता से कर सकें, तो इस यानी कारण से भी बुद्धिपूर्वक ऐसी ही व्यवस्था बना दी गई है, बनी हुई है। तो इस कारण से ऐसा अनिवार्य हो जाता है, और जिनमें ये चीज़ें नहीं है, माता पिता या पुत्र आदि के साथ समन्वय की स्थितियाँ नहीं है, वो पशुओं में जैसे होता है, वो कोई किसी को नहीं पहचानता है, छोटे बच्चे और तक रहते हैं वो भी अपने माँ बाप को समझते हैं, बड़े होते ही कोई नहीं समझता है किसी को, तो ये स्थितियाँ मनुष्य आदि में भी हो जाती सब में, इसलिए ऐसा होना उचित नहीं था, और ये है इसलिए सत्य है। ये ही जीवन का एक प्रकार से आधार है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, जीवन का एक मतलब अनिवार्य अंग है ये, इसलिए माता पिता का बीच में आना कोई दोष नहीं होता है, या नहीं आना ये उचित नहीं कहा जा सकता। हाँ, आत्मा के गुण है ये। हाँ, लेकिन ये हो पाता है तभी, हाँ, जब किसी के साथ ये निकटता होती है, अनिवार्य निकटता, तभी उभरता है।
अन्यथा नहीं उभरेगा, सामान्य की नहीं उभरेंगे, जो विशिष्ट है यानी कि जिनका चित्त सत्व प्रधान है उनमें तो ये जग जाएंगे, लेकिन जिनका अभी चित्त सात्विक नहीं है उनमें ये बिना उसके अनिवार्य संबंध के नहीं जगेंगे, उनमें उल्टी ही भावना द्वेष वाली आएगी, प्रेम वाली नहीं जगेगी। द्वेष आत्मा ही करता है इस दृष्टि से। नहीं, एक होते हैं ना जो गुण होते हैं, एक दुर्गुण होते हैं। द्वेष भी दो तरह का है ना, एक तो गुण वाला है द्वेष, यानी जिसमें बुराई से बचने की इच्छा होती है उसको भी द्वेष कहते हैं, और एक द्वेष है कि जो अच्छी को भी नष्ट करने की इच्छा होती है, वो द्वेष है, वो गुण नहीं है आत्मा का। जैसे ज्ञान गुण आत्मा का है, अज्ञान गुण नहीं है आत्मा का। यानी वो तो दूसरे के निमित्त से विकृत होकर के ज्ञान ही जो है ना, विकृति के कारण उल्टा हो जाता है, इसलिए वो किसी का गुण नहीं है, तो विकृति के कारण ऐसा हो जाता है। ऐसे द्वेष भाव जो होता है ये मिथ्या गुण है, गुण नहीं है, ये रजोगुण के कारण से ये द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। वही वाला द्वेष जो बुराइयों से हटने की होती है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ अच्छे से भी हटाने लगता है ये द्वेष वाला भाव, तो इस कारण से वो आत्मा का नहीं है, पर रजस तमस के गुणों के प्रभाव के कारण उसमें ऐसा हो जाता है। जैसे अज्ञान है, ये किसी का गुण नहीं है, मिथ्या ज्ञान ना प्रकृति में होता है, ना जीवात्मा में होता है, ना ईश्वर में होता है, ये किसी में नहीं होता है, लेकिन जीवात्मा में चूंकि ज्ञान उत्पन्न होता है और उसके कर्णों में अगर दोष आ जाए तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है वहाँ, तो ऐसे ही द्वेष को भी समझना चाहिए यहाँ पर। तो द्वेष इस मिथ्या अव्यवस्था के कारण हो जाता है या हो सकता था, इस कारण से यहाँ पर ये अब अनिवार्य है। हाँ, उसी के आधार पर चलेगा सारा। तो अब यहाँ जो ऐसा मतलब, इसलिए ये चीज़ें जोड़ी गई बीच में ताकि इनके कर्म जो होते हैं, यानी पूरे शुद्ध तो होते नहीं हैं, क्लेश पूर्वक ही होते हैं, तो क्लेश पूर्वक अवस्था में ईश्वर का भी नियम है, वो पूरी पूरी सहायता नहीं करता है। ईश्वर की भी सहायता जो होती है वो धर्म की प्रचुर अवस्था में ही होती है। जो धार्मिक नहीं है ईश्वर को उसकी, ईश्वर की सहायता उसको पूरी नहीं मिलेगी, धार्मिक लोगों को नहीं करता है सहायता, विशेष सहायता। तो ये जो लौकिक लोग हो जाते हैं, लोग प्रधान होंगे, तो वो उसको ईश्वर सीधे सीधे अपनी पूरी सहायता नहीं देगा, यानी कि जो पूर्ण धर्माचरण करते हैं जिसमें तत्व ज्ञान विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो समाधि के माध्यम से उसको ज्ञान भी, बल भी, आनंद भी सीधे सीधे ईश्वर के द्वारा मिलता है, तो उसका तो काम चल जाता है, सारे संबंधों को छोड़ करके भी, सारे संबंधों की उपेक्षा करके भी उसका काम तो चलेगा, और दूसरों के प्रति वो अन्याय भी नहीं करेगा। तो उसकी ऊंची स्थिति होने के कारण से इन संबंधों के अभाव में भी उसका काम तो चल सकता है, उसको ईश्वर की सीधी सहायता संभव है, लेकिन दूसरे के लिए ये सहायता नहीं है संभव, इसका यानी चित्त नहीं है शुद्ध, ईश्वर उसको नहीं देगा, तब तो जान देगा ही नहीं, उसको अपना आनंद नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की सहायता के अभाव में अब वो
और अधिक अधर्माचरण करता। तो उससे भी बचाने के लिए अब उसको आपस में जोड़ दिया, कम से कम चलो आपस में एक दूसरे के कारण से कुछ तो बचाव रहेगा। तो माता पिता होते हैं या गुरु होते हैं, जो कुछ राजा आदि होते हैं, भले ही राग आदि पूर्वक होते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक मतलब जीवन को बचा के रखते हैं दूसरे का। राजा होता है वो कितना अधिक दुष्टों को दंडित करके जैसे तैसे करके बहुत सारे की रक्षा करता है दिन रात। ऐसे माता पिता होते हैं दूसरों से पूरी तरह से अपने बच्चों को बचाते हैं, उनमें होता राग है लेकिन फिर भी वो पूरी शक्ति से इसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही गुरु आदि भी होते हैं, वो भी दिन रात ज्ञान विज्ञान के माध्यम से विद्या की रक्षा करते रहते हैं, लोगों को शिक्षित करते रहते हैं। तो ये चीज़ें यानी ईश्वर की पूरी सहायता के अभाव में भी हमारा जीवन बहुत अधिक सुरक्षित चल जाता है, यानी हमारे भोग बहुत अधिक पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये नई व्यवस्था नहीं होती तो इतने भोग नहीं हो सकते थे। तो इस कारण से ऐसी व्यवस्था का होने में भी कोई दोष नहीं है, लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ पर है कि यही सब जो व्यवस्था है ये सीधे सीधे ईश्वर के होने में हेतु हैं, यानी इनसे ईश्वर की सिद्धि होती है। हम अपने किसी माता पिता से जन्म ले रहे हैं, एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष बन रहा है, तो इन दोनों में जो संबंध है वो अब केवल बुद्धिपूर्वक है, यानी कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा के साथ जुड़ेगी, उन दोनों के बीच में पहले कोई संबंध नहीं रहता है। यानी एक शरीर दूसरे शरीर के साथ जुड़ जाए ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अब वो जो सूक्ष्म शरीर बचता है, वो सूक्ष्म शरीर जो नए माता पिता हैं बनने वाले, उसके साथ उसका अपने आप क्या हो सकता है संबंध, कैसे हो सकता है, किसी तरह से भी नहीं हो सकता है संभव। तो फिर भी और उनके संबंध के बिना जीवन अगला नहीं हो सकता था। तो अब यहाँ पर ईश्वर की अनिवार्यता हो जाती है कि ईश्वर के माध्यम से ही एक जीवात्मा को दूसरे जीवात्माओं के साथ जोड़ा जाता है। जन्म की प्रक्रिया ईश्वर के कारण से ही सिद्ध होती है। ऐसे अब किस जीवात्मा को किस जीवात्मा के पास जाना है ये कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है, वैसे ही नहीं होता है। संख्या के कारण से या अन्य किसी कारण से कोई किसी के भी पास चला जाता हो ऐसा नहीं है। माता पिता और संतान का जो संबंध होता है वो उसके कर्माशय के आधार पर होता है, यानी अगला जन्म पिछले जन्म के कर्माशय के आधार पर होता है। तो ये चयन या निर्धारण भी बुद्धिपूर्वक है। तो ज्ञान चेतन ईश्वर के द्वारा ही फिर ये संबंध संभव होता है, अन्य किसी जड़ के माध्यम से ऐसा संबंध संभव नहीं था। तो इससे भी ये हो रहा है कि अगला अगला जन्म जो हम ले रहे हैं ये भी ईश्वर के होने में कारण है। ऐसे एक बीज से दूसरा, एक वृक्ष से फिर दूसरा वृक्ष बन जाता है पूरा पूरा, तो उस बीज में सारी की सारी संभावनाएं वो हो रही है जो आगे प्रकटित होने हैं। तो आगे क्या होगा इसका संचय ज्ञान से अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकता है, यानी कि जो चीज अभी नहीं है या होकर के अब नहीं रही उस चीज का जो संरक्षण है वो केवल ज्ञान से संभव है और किसी तरह से नहीं है। जैसे कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक गिनती गिनती, तो आपने 10 तक गिनती गिनी है, ये कर्म हो गया एक। अब ये होया हुआ कर्म कहाँ सुरक्षित हो सकता है, सिवाय ज्ञान के कहीं नहीं होगा ये।
छियानवे हो सकता है कि दस गिनती इसने गिन ली है, क्योंकि कर्म तो होके समाप्त हो जाते हैं, वो तो रहता नहीं है और पूरे पूरे उसके संस्कार भी नहीं बनते हैं। संस्कार भी यथावत अनुभूति के कारण बनता है। लेकिन कितने सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसके हमारे पास संस्कार नहीं बनते हैं, क्योंकि पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है उसके बारे में हमको, लेकिन फल उसका बनता है। हम चींटी मार देते हैं, मारने के कोई संस्कार नहीं बनते, पता ही नहीं चलता है मारा नहीं मारा, संस्कार कहाँ बनेंगे, लेकिन फल तो उसके बनते हैं। तो अब ये जो कर्म संचित हुआ, इसको संचित करने के लिए अब कोई उपाय नहीं है सिवाय ज्ञान के, ज्ञान में ही ये हो सकता है संचित। तो ऐसे ही आगे क्या बनना है, कोई जैसे भवन बनाते हैं या अन्य कुछ बनाते हैं, तो वो अभी होता तो है ही नहीं, लेकिन कैसे बनना है अब ये सिवाय ज्ञान के यानी बुद्धि से अतिरिक्त और कहीं नहीं संभव हो सकता है। चाहे वो मानचित्र बनाए, चित्र बनाए, कुछ भी बनाए, उसके पहले बुद्धि में चाहिए वो। तो ऐसे ही जो भावी है या जो अतीत है, जो कि होता नहीं अपने स्वरूप में, उसके उसका संचय और उस संचय के आधार पर अगला जो परिणाम आना है, इसका हेतु केवल बुद्धि है, ज्ञान ही होता है। तो ये ज्ञान जहाँ संचित रहेगा वो इसका कारण बनेगा। तो इसी आधार पर एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष होना है, दूसरे से भी तीसरा, तीसरे से पता नहीं आगे हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, आगे ये परंपराएं जाएगी। तो ये आगे कुछ होता नहीं, सब अभाव होता है पहले, लेकिन वर्तमान में उसके आधार पर कार्य हुआ है। तो ये तभी संभव है जब ज्ञान के द्वारा ये किया जाएगा, इससे आगे आगे ऐसा होना है। तो ऐसे वृक्ष आदि में होती जितनी सारी परंपराएं हैं, जो पहले दिन जो मनुष्य की रचना कर दी गई, उसी दिन इसमें डाल दिया गया ऐसा कि इतने दिनों तक ये चलेगा, इसकी पीढ़ियां आगे इतने इतने दिनों तक जाएगी, इसके बाद नहीं जाएगी। तो ये आगे सोच कर यानी बुद्धि से किया गया। तो इन्हीं सब हेतुओं से फिर ये सिद्ध होता है कि इन सब का जो करता है वो एक ज्ञाता है, वो एक सर्वज्ञ, इतनी क्षमता वाला व्यक्ति है वो। इस प्रकार से इन्हीं व्यवस्थाओं से ईश्वर की सिद्धि होती है और संसार भी इसी आधार पर चल रहा है, वो अच्छा भी है। इसका हमें ऐसे लाभ लेना चाहिए।